अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। Hey guys, welcome back to my channel and I'm Divyanshi and अभी जो हमारी DIY सीरीज चल रही है उसका ये एपिसोड नंबर 3 लेकर के मैं आई हूँ। अगर आपने मेरे पिछले 2 एपिसोड्स अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आई अर्ज यू कि आप जाइए एंड उन 2 एपिसोड्स को देखिए। फर्स्ट एपिसोड जो था वो था DIY फेस मास्क का और जो सेकेंड एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक घर पर एक मेकअप क्लेंजर या मेकअप रिमूवर जिसे आप बोलते हो वो बना सकते हो। सो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो चेकआउट कर लीजिए एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वो दोनों वीडियोज़। एंड आज हम बात कर लेते हैं अपने DIY स्क्रब के बारे में, स्क्रब फॉर लिप्स। जो फेस स्क्रब है उसकी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगी बट अभी मैं सिर्फ स्पेसिफिकली लिप स्क्रब के बारे में आज बात करने वाली हूँ। लिप के लिए जो स्क्रब आप खुद से घर पर बना सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपके किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं उसी से ये बन जाएगा। सो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। DIY लिप स्क्रब बनाने के लिए हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर 1 स्पून ऑफ शुगर यानी कि चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हनी ऐड कर थोड़ा सा हम उसके अंदर लेमन जूस स्क्वीज करेंगे। देन हमें ऐड करना है 1/2 स्पून ऑफ एलोवेरा जेल और उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हो, जब भी आप स्क्रबिंग करना चाहते हो अपने लिप्स की, उस टाइम पे इसको फ्रेशली बनाकर ही यूज़ करिएगा। इसको बनाकर पहले से ही रेडी कर मत रखिएगा, इट विल नॉट वर्क। तो आपको इसको फ्रेश ही बनाना पड़ेगा। इसको जेंटली अप्लाई करेंगे अपने लिप्स पर और स्क्रबिंग करेंगे एंड देन नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को स्क्रब करने में हेल्प करेगा। इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये DIY लिप स्क्रब। वेलकम बैक गाइस, तो ये था मेरा लिप स्क्रब का DIY रेसिपी, होममेड लिप स्क्रब आप जो बना सकते हो। और स्पेसिफिकली मैंने आपको वीडियो के टाइम पर भी बताया था और मैं एक बार दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि इसको आप फ्रेश ही बनाना, ऑलरेडी बना के स्टोर करके मत रखना, इट विल नॉट वर्क क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर यूज की है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसको वीक में एटलीस्ट 1 टाइम करें, 1 to 2 times इज इनफ। मैं अपनी इस चैनल पर खाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं लाने वाली हूँ, ये बेसिकली एक ओवरऑल चैनल है जिसके अंदर मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें भी लाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंजेस भी आने वाले हैं मेरे चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दिस इज माई ID। ऑल्सो गाइस प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो वॉट ऑल डू यू वॉन्ट मी टू कम अप विद इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू शूट दैट वन। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इन दिस सीरीज।